तक बिल्कुल मुझे लगता बहुत... है उसके पास वो पावर नहीं थी जो होनी चाहिए और ये डिसरिस्पेक्ट भी है इतने बड़े प्लेयर की अगर उसको आपने मुझे लगता है ये डिसरिस्पेक्ट भी है और जिसका मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सामने आ रही है कि जब आप अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे हमारे लिए जितने भी लड़के खेल रहे हैं वो भी रिस्पेक्टेबल हैं लेकिन जो जिन्होंने जो स्टेक होल्डर थे जिन्होंने करना था उन्होंने विन विन सिचुएशन नहीं रखी हुई विन विन सिचुएशन हुई कोचेस की भी अपनी रिस्पेक्ट है प्लेयर्स की अपनी रिस्पेक्ट और सब पाकिस्तान के लिए वहाँ है डेफिनेटली एक गोल है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो लाला ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे जो है अभी यूसुफ ने यहाँ पे हिट किया है कि हिरार्की सेट होनी चाहिए ये हिरार्की जो है ये बोर्ड सेट करता है कि एक हिरार्की है उस हिरार्की में ठीक है कोलैबोरेशन तो आपस में होनी चाहिए मगर कोच हम फादर फिगर कहते हैं कोच को हमेशा या तो बाप प्यार से समझाता है या फिर बाप गुस्से से भी समझाता है तो ये क्लैरिटी आई नहीं वैसे आज तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कि कोच का रोल क्या होगा क्या वो प्यार से बताता रहेगा या वो स्ट्रिक्ट भी होगा देखें जब कप्तान को ये पता हो कि मेरे सारे मसलों का हर चेयरमैन है और चेयरमैन उसको ये कहे कि बस कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मुझे आके बताओ सिंपल सी बात है इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एक्चुअली शायद मेड अ वेरी गुड पॉइंट कम्युनिकेशन अगर कोई प्रॉब्लम है भाई आप सकलैन के साथ नो डाउट सकलैन बहुत जबरदस्त बंदा है उसको कोचिंग का आइडिया बहुत अच्छा काफी अरसे से इस सर्कल में है आई मीन के मैंने खुद भी जब मैं चेयरमैन बना सिलेक्शन कमेटी का तो ये चीजें मुझे नजर आई कोच कुछ कह रहा है कप्तान कुछ कह रहा है प्लेयर्स कुछ कह रहे हैं वही कम्युनिकेशन की बात दोबारा करूंगा अगर मुझे एज अ कैप्टन टीम समझ नहीं आ रही और कोच मेरी बात से एग्री नहीं कर रहा हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्या मैं चेयरमैन के पास जाऊं डायरेक्ट कि चेयरमैन से जो मैं कहूंगा वो मनवा लूंगा बिल्कुल तो ये रास्ता किसने दिखाया चेयरमैन ने दिखाया ना चेयरमैन को चाहिए उसको कहेंगे कि ठीक हो कप्तान आपकी अपनी इज्जत है कप्तान भी है आपके पास कोच भी है हेड कोच और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी है उनके साथ बैठे आपस में अंडरस्टैंडिंग करें और वही टीम खिलाए मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता मेरे ऊपर और भी बहुत सारे काम रोहित शर्मा का भी एक दो दिन पहले इंटरव्यू आया छोटा सा मैं सुन रहा था उस पे वो कह रहे कि राहुल भाई के साथ मैं बैठता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है सुनता हूँ हम मिलके प्लान करते हैं और बार बार हम ये चीजें करते हैं बोर्ड की कहीं बात नहीं बिल्कुल नहीं देखिए इन दोनों की जिम्मेदारी हेड कोच की और कप्तान की तो ये दोनों जब तक ऐसे नहीं होंगे ना आपको वो चीजें नहीं मिल सकती वो रिजल्ट नहीं मिल सकते जो चाहिए आज इंडिया को हर बंदा क्यों कर रहा है प्रेस बिल्कुल एक टीम नजर आ रही ना बनी हुई टीम नजर आ रही आपको वंस इन अ ब्लू मून रॉजर बिनी का नाम सुनने को मिलता है आप भूल भी जाते हैं कि कौन है भाई इस वक्त हेड कौन कर रहा है बीसीसीआई को बिकॉज़ रॉजर बिनी का नाम ही नहीं आता नहीं उस पर सोने पे स्वागत पता क्या होता है सोने पे स्वागत होता है कि लड़के ड्रेसिंग रूम में फिर आपके एज ए कोच इज्जत भी नहीं करते उनको पता है ही इज नॉट अ डिसीजन मेकर सो ही डज नॉट हैव अथॉरिटी नो अथॉरिटी नहीं होती ना तो वो फिर बंदा उसकी बात भी इतने अदब से वो जितनी मर्जी अच्छी बात कर ले वो नहीं सुनते इंटरनेशनली भी हमने देखा कि माइकल वॉन ने एक पॉडकास्ट किया कुछ साबिक क्रिकेटर्स के साथ उसमें गिलक्रिस्ट थे पाकिस्तान की इन्हीं ये जो मामला चल रहे हैं इस बारे में वो तमाम जो खिलाड़ी हैं इस पर वो हंस भी रहे थे मजाक भी उड़ा रहे थे अब इस पे देखें ना कि कितना ज़रूरी है कि ये हम मैटर ये सारे सॉल्व होने चाहिए हमारे क्योंकि पाकिस्तान का अब जो जहाँ पोजीशन आई हुई है अल्लाह कह रहे हम निकल जाएं यहाँ से लेकिन अगर अभी भी हम ईमानदारी से और सही तरीके से काम नहीं किए तो हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चले जाएगी दूसरा ये जो एक आपने और पूछा ना मैं भूल गया था हमारी अभी तो जो सिलेक्टर थे बेस्ट प्लेयर हैं इसमें तो कोई शक ही नहीं लेकिन सिलेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको पता हो कि प्लेयर क्या है उसको पता हो कि इसमें कितनी बैटिंग की एबिलिटी है बॉलिंग की एबिलिटी है उसको नज़र आना चाहिए ऐसा प्लेयर उठाना चाहिए और सिलेक्टर का काम है हर मैच जाके देखे क्या सिलेक्टर प्लेयर को ये बाउंड कर सकता है कि अगर तो तुम ये डोमेस्टिक खेलोगे तो तुम्हें सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं क्या करके सिलेक्टर के पास पावर होनी चाहिए और वो बोर्ड के साथ बैठ के इस मामले को हल करे कि भाई हमें ये प्लेयर्स और दूसरा पहले तो T20 से कोई वनडे टेस्ट नहीं खेलना चाहिए T20 का प्लेयर T20 का प्लीज फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दे और चीफ सिलेक्टर और दूसरे सिलेक्टर जो हैं उनको ग्राउंड में जाके मैच देखने चाहिए ये नहीं कि हम पेपर देख लें वहीं से टीम बना दें ये तो कोई भी मेमन बशीर साहब भी बना सकते ये भी बना सकते हमें ग्राउंड में जाना चाहिए हमें देखना चाहिए वो प्लेयर कैसी विकेट पे कैसी बॉलिंग पे स्कोर कर रहा हो सकता है एक ने 200 की एक ने 70 किया हो 70 वाले ने मुश्किल टाइम पे मुश्किल विकेट पे
ऐसी स्कोर किया हो, ठीक है, एक सिलेक्टर होता है चीफ सिलेक्टर, बाकी दो तीन दूसरे होते हैं, लेकिन जिन जिन लड़कों का चांस बन रहा होता है, पता चल रहा होता है कि आइए रन, उनको जाके देखना चाहिए हर मैच। यूसुफ, और अंडरस्टैंडिंग लिए, क्योंकि ये डिस्कशन चली रही है, नदीम खान अभी है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, जब वो लास्ट टाइम अराउंड थे एहसान मानी के जमाने में, एक फॉर्म बनाया था उन्होंने जिसपे बैटर असिस्टमेंट फॉर्म था वो, जिसके अंदर कंडीशंस, ऑपोजिशन की बोलिंग और कितने कैचेस ड्रॉप हुए, किस तरह की लाउजी फील्डिंग ऑपोजिशन की, ये सारे पैरामीटर्स थे जिसके ऊपर डिसाइड होता था कि ये परसेंटेज मिलेगी बैटर को। हम अप्लाई कर रहे हैं अभी तक उसको? ये देखिए, ये किसने करनी थी, बन गया पेपर, बन गया, लेकिन ये बताना अभी भी है वो फॉर्म पता नहीं मुझे, लेकिन ये किसने बताना है कि ये बैट्समैन ऐसा खेला है, ये बॉलर ने ऐसी बॉलिंग की है, ये फील्डर ने, ये तो फर्स्ट क्लास में जो कोचेज हैं वो बताएंगे ना। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो तो अपनी जगह है, कोचेज जो काम कर रहे हैं वो तो जीतने के चक्कर में है, हालांकि ये डेवलपमेंट के लिए हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, प्लेयर डेवलपमेंट के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट, हार जीत का मुझे बताएं, कराची जीत गई, पाकिस्तान को क्या फायदा अगर कोई प्लेयर ना निकला तो? कोई फायदा है? फायदा नहीं, कोई फायदा, लेकिन जीतना, मैं ये नहीं कह रहा जीतना नहीं, मगर फिर मैं यहाँ से आऊंगी लाला आपकी तरफ, सिस्टम का हम इशू कहते हैं ना, बिल्कुल एक चीज हाईलाइट सही की यूसुफ ने कि डोमेस्टिक में कोचेस चाहते हैं हम जीते, वो इस वजह से, बिकॉज आप कहते हैं यार इसकी टीम 3 दफा जीत चुकी है डोमेस्टिक का, इसको कहीं अब नेशनल टीम के साथ लगा सकते हैं, मे बी दैट इज द रीजन जो हम उस कोच को ये माइंडसेट बना देते हैं कि जीतना है आपने, डेवलपमेंट नहीं है। अगर तो ये पैरामीटर ये हो जाए कि इन इसकी टीम ने 3 लड़के दिए पाकिस्तान टीम को तो ये अच्छा कोच है, तो शायद कुछ डिफरेंस। देखिए, कंपटीशन होना चाहिए कोचेस के बीच में भी, इम्पोर्टेंट है कंपटीशन। उसी तरह होता है कि प्लेयर्स जो हैं अच्छे होते हैं तो उनको लड़वाना पड़ता है, उनकी परफॉर्मेंसेज होती है, फिर उन्हीं प्लेयर्स को आप कोचेज जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन वगैरह से बात करते हैं कि जी इसने इस तरह परफॉर्मेंसेज दी है, और ये कोच की डोमेस्टिक में जिम्मेदारी भी होती है कि जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, टैलेंट नज़र आ रहा है, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है। और जो यूसुफ ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि सिलेक्शन कमेटी के लोगों को जाना चाहिए, एक चेयरमैन होता है, नो नहीं जा सकता, उसकी एक टीम होती है, खासतौर पर जब किसी प्लेयर को देखने जा रहा होता है या जो प्लेयर सिलेक्शन कमेटी की लिस्ट में होता है कि यार ये बड़ा परफॉर्म कर रहा है, जाके देख के आए कि वो किस कंडीशन में खेल रहा है। अब जाहिर बात है कजाफी में खेल रहा है, कराची में खेल रहा है, फ्लैट विकेट है, यहाँ पे तो हर प्लेयर 100-100, 200-200 कर रहे हैं, थोड़ा उसको लेके जाओ एबटाबाद साइड पे, इस्लामाबाद, जरा बाउंसी ट्रैक चेक कराओ, जरा सीमिंग पिचेस बनवाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में, ताकि वहां पर भी तो पता चले ना कि वहां क्या कर रहा है। तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में आपकी पिचेस हर वेन्यू की डिफरेंट होनी चाहिए, ताकि हर प्लेयर हर पिच पे खेल के उसकी परफॉर्मेंस सामने आनी चाहिए, टर्निंग ट्रैक भी होना चाहिए। सिलेक्टर का काम है कि वो मैच देखे, क्योंकि जो नीचे वाले होते हैं लाला, वो आप देख लें अभी भी सिलेक्शन कमेटी में, ठीक है, इंजी भाई एक बड़े, बाकी कोई इस तरह का नाम नहीं है, बट एट अ टाइम 3-3 मैचेस भी तो चल रहे होते हैं ना, अलग 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 वेन्यू पे मैचेस कर रहे, सारे प्लेयर तो नहीं लेके जाने ना, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका पता चल जाता है कि यार ये जा सकते हैं, ठीक है, इतनी बात उस पर नजर रखें, उन पे नजर रखनी चाहिए, और चीफ सिलेक्टर का आंख भी होनी चाहिए ना कि ये भी देखें कि ये प्लेयर कौन से फॉर्मेट में अच्छा खेल सकते हैं। हम बस वही एक ही बंदे को सब में खिला देते हैं, फिर वो मुश्किल हो जाती है। आई थिंक ये बड़ा फाइन लाइन है, जिस तरह आपने कहा ना, देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आपने मैच नहीं जिताएंगे तो लड़कों की डेवलपमेंट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं होती, याद रखिए, यहाँ पे उधर से कंपटीशन शुरू होकर पाकिस्तान में लड़के ने आना होता ना, उस परफॉर्मेंस पे आपने पाकिस्तान से खेलना होता है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस होती है ना वो रिलेट करती है आपकी इंटरनेशनल कैरियर। डेवलपमेंट का जो सीन है ना वो एक दो प्लेयरों को होता है, वो आता है जैसे शायद कल बात कर रहा था ग्रास रूट से, ठीक है, कि इन प्लेयरों के ऊपर डेवलपमेंट रखनी है नजर। आगे आ गया यूसुफ का पॉइंट, यहाँ से आपने फॉलो अप करना चीफ सिलेक्टर ने कि एक मिडिल ऑर्डर में आप बंदे को नजर रख रहे हो कि जी फला एक्स वाई जी, उसको आपने अपने टीम में लेके आना, उसको फॉलो करे चीफ सिलेक्टर, उसके जाके मैच देखे ग्रीन पिच के ऊपर भी, स्पिन के ऊपर भी, और फिर उसके ऊपर डिसाइड करे कि ये लड़का तैयार है, ये लड़के का हम स्कोरों के ऊपर नहीं जाना, ये लड़के की टेक्निक और ये इसका टेम्परामेंट इतना नहीं है, स्कोर तो कर रहा है मगर जहां मुश्किल कंडीशन आती है ये नहीं स्कोर करता। ये जो चीजें होती है ना एक दो प्लेयरों के लिए होती है, सबके लिए नहीं होती। तो जो चीफ सिलेक्टर होता है या सिलेक्टर होते हैं ना, उन्होंने उन लड़कों को टारगेट करना होता है जो पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार है, पाकिस्तान में वैक्यूम है किसी चीज का, उसको टारगेट करने के लिए फिर आपने फॉलो अप करना होता है। तो ये बड़ी फाइन सी लाइन है, आप हर मैच को नहीं कवर कर सकते, बट कमिंग बैक टू, ये बड़ी अच्छी डिस्कशन है कि ग्रास रूट से डेवलपमेंट होती है, ग्रास रूट से अंडर 19 से डेवलपमेंट, अंडर 19 तक डेवलपमेंट होती है, उसके बाद जैसे ही लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आता है और पाकिस्तान से खेलता है, उससे एक ही कोच को जरूरत होती है, हाउ टू गेट परफॉर्मेंस, सिंपल इज दैट, वो आदत पड़ती है, उसको मसल मेमोरी कहते हैं। इतनी मजे की डिस्कशन हो रही है, यहाँ पे इसको होल्ड करें, बट यस 5 बजे हम फिर से आए।
आएंगे और फिर से हाजिर होंगे और इस डिस्कशन आई होप अच्छे मूड में आएंगे, मूड हमारा अच्छा होगा, इन डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जाते जाते उमर, sparks.pk आप विजिट करें, वेबसाइट के जरिए कोई भी खरीदारी करें, यानी कि स्मार्टफोन या एक्सेसरीज अगर आप परचेज करते हैं तो आप लकी विनर्स की उस रेस में शामिल हो जाएंगे जिसको मिलेगा वर्ल्ड कप फाइनल के मौके पर एक ग्रैंड प्राइज। तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो अब क्रीज पर इस वक्त मौजूद हैं। हमें इस वक्त दीजिए इजाज़त आपसे की 5 बजे मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।